तो सबसे पहले हमें W3 लेआउट्स की साइट पे आना है और यहाँ से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है जो कि एक HTML का बना बनाया टेम्पलेट होगा, तो हमें कुछ HTML लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ डेमो का ऑप्शन भी मिलता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हेल्प कीजिए, इनको परचेज कर लीजिए टेम्पलेट को, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको परचेज कर लीजिए। अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो बैकलिंक्स जो है आपको लगाने पड़ेंगे। तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं बैकलिंक्स लगा दूंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा इनके जो बैक में लिंक्स लगे हुए होते हैं W3 लेआउट्स के। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं एक्सप्लोर कर लूंगा या फिर शो इन फोल्डर करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं इसको, आपको एक बार इसका डेमो भी दिखा देता हूँ कि आखिर ये वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं डेमो का ऑप्शन मेरे को मिलता है और ये इसकी वेबसाइट का लुक है। ऊपर थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, वो मैं ठीक कर लूँगा, वो मेरे को पता है कैसे होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें स्लाइडर मिल जाता है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल मिल जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे सप्लायर्स एंड पार्टनर्स हैं, उसके बाद फुटर है जिसमें हम विजिट्स का यूज़ करेंगे वर्डप्रेस के। और इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखता है, बाकी यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप का बटन है, यहाँ पे W3 लेआउट्स का लिंक है जो हम हटाएंगे नहीं, और ऊपर यहाँ पे एक ये मिडल सेक्शन है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे शायद ये लेके जाएगा। हाँ ओके, उसके बाद हम वापस बैक आते हैं पहले, उसके बाद हम पूरे पूरे टेम्पलेट को एक बार ढंग से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट है, ये कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रूवन इफेक्टिव अगेंस्ट, ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों इनके शायद प्रोडक्ट हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। मैं इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और कुछ इनको कैसे वर्डप्रेस में एडिट करते हैं, इसके मैं तीन मेथड बताऊंगा मेथड्स। पहला होगा नॉर्मल मेथड, दूसरा होगा थोड़ा सा टफ होगा और तीसरा सबसे आसान होगा। ओके, तो ये तीन मेथड्स होंगे, तो आप इनको देखिएगा और ये सारे सेक्शंस जो हैं बन जाएंगे। ये स्लाइडर जो है कस्टम पोस्ट टाइप हम खुद लिखेंगे function.php में, कोई प्लगइन नहीं डालेंगे उसके लिए। उसके बाद ये हमारा अबाउट अस पेज आता है, अबाउट अस पेज में हम कस्टम फील्ड्स यूज़ करेंगे, उससे हम सारी चीज़ें जो हैं बनाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन सारा हमारा बना हुआ है तो हमें वर्डप्रेस में डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है। और यहाँ पे ये अवर स्टैटिक्स और ये इनके टीम मेंबर्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, इनको हम चाहें तो ऐसे ही लगा देंगे या फिर इसका भी हम कस्टम टाइप पोस्ट बना लेंगे, कैसे होगा मैं बताऊंगा। और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अब हम एक बार सर्विस के पेज को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल मिलता है और एक कमर्शियल मिलता है, तो दो हैं, तो ये दोनों हमें किस तरह से मैनेज करना होगा, ये दोनों भी हम उसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे आते हैं हम ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग हमें इंटीग्रेट करना है पूरा का पूरा, तो मैं पूरे के पूरे ब्लॉग को इंटीग्रेट करूँगा। उसके बाद उसका सिंगल पोस्ट जो होता है उसको भी करेंगे, सारा पूरा डिज़ाइन करना है हमें। फिर हम पेजेस में देखते हैं क्या है, यहाँ पे 404 है, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। लैंडिंग पेज है जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही बार में आ जाएंगे, तो मैं इसको तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे एक पेज में सब कुछ इन्होंने इंटीग्रेट किया है। इसके बाद इन्होंने ब्लॉक्स डाले हैं, तो ये ब्लॉक्स यहीं से स्लाइड होते हैं, तो हम पीछे आते हैं अब। और उसके बाद हम लास्ट में फाइनली आते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे, तो ये है इनका कॉन्टेक्ट अस पेज। यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, कुछ भी लिख के हम सर्च करेंगे तो वो सर्च हो जाए, तो इसका हमें बनाना है। और फिर एक ये रिक्वेस्ट कोड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे ही वापस आते हैं। और ये जो फॉर्म है इसको हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से फुल्ली डायनेमिक करना है, कि कोई भी अगर यूजर ने अगर अपना नाम और डाल के इसको पब्लिश करे तो हमारे पास सारी डिटेल्स जो है आ जाए, तो हमें ये चीज़ें भी जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ये जो डार्क मोड है ये तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क कर रहा है, तो हमें इस पर कोई ज़रूरत नहीं है।
बाकी कोई चीज नहीं है हमारे पास। तो अब हम आते हैं इसके अंदर और इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं इन अ फोल्डर। अब जैसे ही हमने इसको फोल्डर में किया तो स्टार्टर वाला इन्होंने हमको दिया है, देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टर का लाइसेंस है यहाँ पे और इसमें हम जो भी चीजें हैं इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बैक लिंक जो है हमें लगा के रखने हैं, अगर हम चाहें तो इसका परचेज हम इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए तो हम इसको परचेज नहीं कर रहे और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको इस वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात थीम की, जो थीम बनेगी उसको मैं गिटहब पे रख दूंगा और उसका यूआरएल दे दूंगा कि किस तरह से हमने उस थीम को बनाया है। तो और उसके अंदर आपको उसके कुछ कोड भी मिल जाएंगे जिसकी आपको जरूरत बार बार पड़ सकती है। और यहाँ पे सपोर्ट्स है और कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने लिमिटेशंस दे रखी है, तो आप इस लाइसेंस को जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद अब हम आते हैं अपने थीम के इंटीग्रेशन पे। तो पहले हमें पूरा एचटीएमएल जो है सेटअप करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि जब तक हम इसको सेटअप नहीं करेंगे तब तक हम इस पर वर्क नहीं कर सकते। अभी हम देख रहे हैं इसमें अबाउट अस होम पेज मिल गया है हमको और ये ऊपर से जो है स्पेसिंग ठीक आ रही है, अभी कोई भी स्पेसिंग फालतू नहीं दिख रही। और ये जो है सर्च जो है ये एकदम ठीक से काम कर रहा है, ये जो डार्क मोड है। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें हमें मिलता है ब्लॉग पेज, और ब्लॉग पेज जो है हमारे पास तो है नहीं। एरर 404 तो छोड़ देते हैं हम, लेकिन ब्लॉग पोस्ट जो है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है इस पर क्या नहीं लिखा। तो यहाँ पे ये है ब्लॉग पोस्ट, सर्विस पेज तो हमको मिला ही है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ब्लॉग पोस्ट देखते हैं तो इनके अंदर इन पोस्ट के अंदर आपको कुछ क्लासेस जो हैं वो मिलती हैं जो इनमें लगी हुई होती हैं और उसके ऊपर सीएसएस लिखी होती है। तो हम डायरेक्टली उस पूरे के पूरे एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये है हमारा राइट साइड बार वगैरह, ये हेडर है तो फिर हेडर को छोड़ देते हैं। उसके बाद सेक्शन पे आते हैं, तो सेक्शन से मैं लेकर के पूरा कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे फुटर हमारा चालू होता है वहां तक जाते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए, इस पूरे को हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम इस चीज को पूरा का पूरा एक न्यू एचटीएमएल के अंदर डाल देंगे। तो मैं इसकी एक मैंने कॉपी बनाई है, कॉपी बनाने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ blog.html। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट विद नोटपैड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नोटपैड नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड किया मैंने। अब यहाँ पे हेडर सेक्शन मिलता है तो हेडर सेक्शन को छोड़ देते हैं, फिर बीच के जितने सेक्शन हैं उन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस पेज पे blog.html पे इनकी जरूरत नहीं है, फुटर से पहले तक का। तो हम सारा कुछ डिलीट करते हैं इस तरह से, डिलीट, एंड उसके बाद हमने अपना जो ब्लॉग का पोस्ट है वो सेव कर दिया। अब देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा टूटा हुआ मेरे को मिल रहा है, बट मेरे को तो वो स्टाइलिंग चाहिए जो यहाँ पे आ रही थी यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम सिंगल पोस्ट को भी एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगल मिलता है और ये है, तो हम इसका भी व्यू पेज सोर्स करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से हेडर के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरे आइटम को फुटर से ऊपर तक की। ओके, अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ब्लॉग सिंगल लिख लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं इसको। इसको हम ओपन करते हैं अपने वीएस कोड में ही यहाँ पर, और इस तरह से हम हेडर के नीचे आते हैं, ये जो जगह है इसके बाद ये सेक्शन, तो हम इसको यहाँ से फुटर जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले ही हम इसको पेस्ट कर देंगे।
अब हम इसका भी एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये भी टूटा हुआ मिल रहा है, लेकिन हमें ये एकदम सही चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ थीम बनानी है। हम इसको अगर करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी इसमें से इनकी CSS पिक कर लेता हूँ जो वहाँ पे लग रही है। तो मैं इसके लिए इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इनका ये मिलता है, तो यहाँ पे स्टाइल लिबर्टी के नाम से कोई इनकी CSS है जिसपे इन्होंने ब्लॉग का CSS लिख रखा है, W3L ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर से ओपन इन न्यू विंडो करता हूँ और इसके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, CSS में आता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें ये क्या हुआ, काट देता हूँ मैं एक बार, एक सेकेंड। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके बाद मैं इस सब को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। डिलीट करने के बाद ये जो CSS है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा जो है वो नॉर्मल सा कोड बन गया जिसकी मेरे को ज़रूरत है, लेकिन ऊपर से स्पेसिंग आ गई और यहाँ पे जो सर्च की आइकन्स हैं वो गायब हो रहे हैं, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कुछ आइकन्स हैं जो गायब हो रहे हैं, सारे आइकन्स एक्चुअली में गायब हो गए। तो इस ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक फॉन्ट ऑसम की CSS लगी हुई है। फॉन्ट ऑसम एक आइकन्स की लाइब्रेरी है जिसपे बहुत सारे आइकन्स बनते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये फॉन्ट ऑसम डॉट मिन CSS है, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करते हैं अपने इसके अंदर जहाँ पे हमारी ये जो टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है इसके अंदर एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इसमें CSS है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो हमें बेसिकली एडिट ओपन विद नोटपैड करने से अच्छा मैं पूरे फोल्डर को ही ओपन कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स खुली हुई हैं, तो पहले मेरे को ये सारी फाइल्स बंद करनी पड़ेंगी। मैं पहले फाइलें बंद कर दे रहा हूँ और उसके बाद VS कोड में पूरे फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या है, हमें CSS को लिंक करना है जो फॉन्ट ऑसम की CSS है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे लिंक, उसके बाद लिंक CSS के नाम से हम उस फॉन्ट ऑसम डॉट मिन CSS जो है उसको हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आया और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एसेट्स के अंदर से जो CSS है इसको मैंने लिंक कर दिया। अब इसके बाद मैं इस इंडेक्स डॉट HTML को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे आइकन्स जो हैं वो प्रॉपरली आ गए हैं। अब बात ये कि आइकन्स जो हैं हर एक पेज पे होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और सब पेज पे जो है इसको लिंक कर देता हूँ, ये जो फॉन्ट ऑसम है उसको। अब इसके बाद जैसे ही मैं इन सब चीजों को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ तो ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे सेट हो जाएगी। अब जैसे ही ये सेट होंगी तो इसके बाद हमारा लगभग बहुत सारा काम छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिंग आ रही है तो मैं इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ जो उनकी वेबसाइट पे थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टॉप है, फिक्स टॉप 0 इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और CSS में आते हैं, कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे टॉप इम्पोर्टेंट कर दिया हमने। अब इसके बाद हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर से ये हमारा फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्डप्रेस पे इसको सेटअप करने के लिए रेडी करना है। तो ये लगभग लगभग हो गया, तो हम सबसे पहले ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ज़ैम्प फॉर विंडो कर रहा हूँ, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे ही मेरा डाउनलोड हो रहा है, हो गया डाउनलोड, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल करेंगे। बट याद रहे आप इसको सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल ना करें, क्योंकि राइटिंग के लिए परमिशन इसको चाहिए होती है और
ये बार बार सी में आपको परमिशन मांगेगा तो फिर आप इरिटेट होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ई में या फिर डी के अंदर या कोई भी जहाँ पे विंडो इंस्टॉल ना हो वहाँ पे डालें। अब ये भी इसने यही वार्निंग जो है यहाँ पे भी दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे ही अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे सारी वार्निंग मिल गई है, ठीक है ओके। तो अब हम इसको सी के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर से सी में मत कीजिएगा, ई में कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई एक फोल्डर बना लीजिए, जैसे हमने प्रोजेक्ट्स का बना रखा है तो, या फिर न्यू फोल्डर बना लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर इसको अंदर ये सी प्रोजेक्ट्स में एक फोल्डर बना लीजिए जैम्प के नाम से, जिसमें आपका सारा जैम्प जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है मेरे को एक ब्राउजर पे ले गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जो है इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल होने में लगभग लगभग 5 मिनट लेता है, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लेता है, लेकिन कई बार अगर विंडोज स्लो चल रही हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और ये लगभग हमारा इंस्टॉल हो गया, और ये अनइंस्टॉलर क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद ये कह रहा है ओपन करना है कंट्रोल पैनल, मैंने कहा हाँ, तो हम यहाँ से इसका कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। हमें अपाचे और माया एसक्यूएल इन दोनों को ओपन चल स्टार्ट करना होता है, बाकियों की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम और wordpress.org पे आएंगे, या फिर पहले लोकल होस्ट पे आते हैं। आपको सिंपली लिखना है लोकल होस्ट, और इसके बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पे सैम्प के सर्वर पे ले आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको PHP माई एडमिन में जाना है। यहाँ पे पहले तो मैं हम जाते हैं wordpress.org की साइट पे, जहाँ पे आपको वर्डप्रेस मिलेगा, तो वर्डप्रेस होना जरूरी है। wordpress.org/download इस साइट पे हमें वर्डप्रेस मिल जाएगा। और हाँ, जैम्प जो होता है, मतलब कि जैम्प एक्सटेंशंस भी देता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के, जूमला के या फिर ड्रुपल के, तो उनको अभी आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है हमें डाउनलोड के लिए बोल देगा, और ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर इनका सर्वर पे ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही होगी तो ये टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है सिंपल तरीके से, वो कर्सर जो है हमारे ग्रे कलर में घूम रहा है, जैसे ही वो ब्लू कलर में घूमेगा तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और वर्डप्रेस में आपको कस्टम पोस्ट के साथ साथ इसके अंदर कुछ प्लगइन्स जो होती हैं कस्टम फील्ड्स के साथ, वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा। पहले हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से डाउनलोड हो गया मेरा वर्डप्रेस, और इसके बाद हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे, तो ये जो है हमारे को शो इन फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ स्टेप्स जो हैं एकदम ध्यान से रखने हैं, क्योंकि ये गलत होने पे हमारा कोड जो है गलत गलत चलता है। तो हम पहले यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 5.7 करते हैं, तो ये एक फोल्डर के अंदर हमारा वर्डप्रेस जो है एग्जैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर देखेंगे ये कुछ फाइल्स हैं, तो हम क्या करेंगे इसको नेम दे देंगे कुछ, तो वर्डप्रेस जहाँ पे लिखा हुआ है इसका आप कुछ एक नेम दे दीजिएगा, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल हो उस फोल्डर पे। तो मैं यहाँ पे एक फाइल का नाम रख देता हूँ, लर्न HTML लिख दें, या फिर लर्न वर्डप्रेस लिख दें, या फिर कुछ भी लिख दें, या फिर प्रैक्टिस लिख दें, या फिर प्रैक्टिको जो लिखना हो वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखी ये कंट्रोल पैनल है, अब यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन आ रहा है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर HTDocs के नाम से फोल्डर होगा। अब इस फोल्डर के अंदर आपको उस फोल्डर को डालना है, कैसे, ये जो हमने लर्न HTML बनाया अभी, इसको पूरे को बाहर से पूरे को कॉपी कर लेंगे या फिर कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे इसको यहाँ से कट कॉपी करेंगे, उसके बाद उसको आपको HTDocs वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है, बस। अब ये जो है हमारा आ गया
सर्वर के पास, मतलब जो हमारा लोकल सर्वर क्रिएट हुआ था उसके पास वर्डप्रेस चले जा चुका है। अब हमें उस सर्वर से कहना है कि इस वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल कर दो। तो अब ये वर्डप्रेस जो है, ये सर्वर जो है, इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम पे। उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो हम पहले इसका नाम कॉपी कर लेते हैं जो भी है इसका, और उसके बाद हम लोकल होस्ट पे आए थे। अब इसके बाद लोकल होस्ट स्लैश हमें वो लिख देना है जिस पे हम जा रहे हैं, लर्न एचटीएमएल पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद ये हमें इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे ये कहेगा इंस्टॉल कीजिए इसको। अब इंस्टॉल किया मैंने, यहाँ पे ये पूछ रहा है डेटाबेस, उसके बाद यूजर नेम, फिर पासवर्ड, होस्ट, और उसके बाद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक ही डेटाबेस के अंदर दो या दो से अधिक वेबसाइट चला रहे हो। ओके, तो अभी हम जो है एक ही वेबसाइट चला रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब हम लेट्स गो करते हैं। अब डेटाबेस डालने के लिए आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से लिखने की। आप यहाँ पे पहले आइए लोकल होस्ट पे और एक डेटाबेस को क्रिएट कीजिए। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे आते हैं, फिर पीएचपी में एडमिन पे आते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है। तो हम जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे देता है क्रिएट अ डेटाबेस, और उसका आपको नाम डालना होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है अगर कंप्यूटर स्लो है तो। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लर्न डेटाबेस का नाम, तो मैंने लर्न एचटीएमएल ही डाला, उसके बाद मैंने डीबी लिख दिया, मतलब डेटाबेस। अब इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे आपको एंट्रीज की दिखने लग जाए तो आप यहाँ पे आइए और उसका नाम जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसका जब हम सैम्प इंस्टॉल करते हैं, यूजर नेम जो होता है वो होता है रूट, और उसके बाद जो पासवर्ड होता है वो एकदम खाली होता है, और होस्ट जो है वो लोकल होस्ट होता है। अब इसके बाद रन द इंस्टॉलेशन करते हैं। अब हम जैसे ही अब हम रन द इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये हमें वेबसाइट का नाम पूछेगा कि हमें अपनी वेबसाइट पे नाम क्या रखना है। तो मैं लर्न एच टी एम एल लिखूँ या फिर हम यहाँ पे कुछ और लिख दें, तो ये आपकी चॉइस है। तो मैं लर्न एच टी एम एल ही लिख देता हूँ, वैसे हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे एडमिन एट द रेट ज्ञान नीति लिखा, और इसके बाद इसी को उठा के मैं पासवर्ड में भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद डिस्करेज सर्च इंजन करना है मेरे को, पहले में ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, अगर पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ से डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट कर दिया मैंने। अब इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ से इंस्टॉल हो जाए तो आपको ये एक होम पेज पे डैशबोर्ड पे ले आएगा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। बट यहाँ से मैंने इसको सेव किया और उसके बाद लॉग इन किया, तो वही पासवर्ड है एडमिन एट द रेट ज्ञान निधि, एडमिन एट द रेट ज्ञान निधि पासवर्ड भी। तो ये जो है अब हमारा सिंपल तरीके से पूरा का पूरा वर्डप्रेस आ गया। अब इसके अंदर हम अपनी थीमिंग करेंगे, अपना थीम बनाएंगे और अपने हिसाब से एचटीएमएल को पेस्ट करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मैं दूसरी थीम एक्टिवेट करता हूँ, देखिए। तो अभी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब पोस्ट है, पेज है, कुछ बने हुए होते हैं इनमें सैम्पल पेज, तो वो सब हम डिलीट कर देंगे, फिर हम बनाएंगे स्क्रैच से।